हाय एवरीवन, सीएमए फाइनल ग्रुप 4 में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी मिनिमम 10 मार्क्स का आता ही आता है। आप अगर आईटीटी का पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन देखें तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से एक थ्योरेटिकल और एक प्रैक्टिकल कंपलसरी आता है। आपके सामने इस समय 27 पेजेस के नोट्स वाली ये वीडियो पेश हो रही है। इसमें 27 पेजेस में सारे नोट्स हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के। आपको कहीं और से कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं। क्वेश्चन चाहे प्रैक्टिकल आए चाहे थ्योरेटिकल, जितने कॉन्सेप्ट्स आप इन 27 पेजेस में पढ़ेंगे दे विल बी मोर देन सफिशिएंट टू गेट 10 ऑन 10 इन दी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। मैं जानता हूं अलग से कोई मार्किंग नहीं पता चलती कि किस चैप्टर के किस क्वेश्चन में कितने मार्क्स हमने ऑब्टेन करे, लेकिन आपको मेरा वादा रहा कि जितने नोट्स आप मेरे से पढ़ेंगे उसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं। बहुत कम टाइम में, बहुत कम एफर्ट्स में मैक्सिमम आउटपुट और मैक्सिमम मार्क्स वाला ये कोर्स अब हम शुरू करते हैं। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी सबसे पहले इन 27 पेजेस को पढ़ेंगे हम, और उसके बाद सीएमए इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। पहले ये 27 पेजेस को रीड करें, उनको समझें, और उसके बाद कुछ रेफरेंस बुक्स होती हैं मार्केट में जिसके क्वेश्चंस भी हम अपनी प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करेंगे, और उसके बाद देखेंगे एग्जाम में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से आज तक क्या क्या आया। तो इससे आपको फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की कंप्लीट कवरेज प्राप्त हो जाएगी। राइट, आइए शुरू करते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी सुनते ही सबसे पहले आपके मन में ये बात आनी चाहिए कि ये कानून है या फिर सरकार के द्वारा बनाई हुई एक प्लानिंग जिसको वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। दोस्तों, ये ना तो कानून है ना प्लानिंग, सरकार के द्वारा दी गई कुछ गाइडलाइंस हैं जो कानून के अंतर्गत ही दी गई हैं। इट इज़ नॉट एन एक्ट बट इट इज़ इशूड एज पर द एक्ट। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का बेसिक ऑब्जेक्टिव और बेसिक आइडिया, सेंट्रल आइडिया यह है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का कि भारत के इंपोर्टर को और भारत के एक्सपोर्टर को इंटरनेशनल ट्रेड फैसिलिटेशन प्राप्त होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम एक्सपोर्टर्स की ही मदद करें, इंपोर्टर्स को भी प्रोसीजरल डिफिकल्टीज ना हो। अगर आज हम भारत से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं दोस्तों, तो हमें एक ट्रेड मैकेनिज्म बनाए रखने के लिए इंपोर्ट को रोका नहीं जा सकता, हमें उसको भी बनाए रखना होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट ये अच्छी बात है कि एक्सपोर्ट से बढ़ती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट ये अच्छी बात है कि जब हमारा ट्रेड सरप्लस होता है तब बढ़ता है, हमारे इंपोर्ट कम होते हैं तब बढ़ता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अच्छा रहता है। लेकिन दोस्तों, यू नीड टू अंडरस्टैंड इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंड कमर्शियल रिलेशंस आर नोवेयर वन वे, वो कभी वन वे नहीं हुआ करते। मतलब हिंदुस्तान के इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स दोनों को मदद करने के लिए, दोनों को बेनिफिट्स प्रदान करने के लिए ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाई जाती है। हर 5 साल में इसे रिवाइज किया जाता है। वैसे हम आपको बता दें, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 से 2020 वाला जो एडिशन है वो हम पढ़ रहे हैं। दिस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हैज़ अ पीरियड ऑफ 2015 टू 2020 एंड 2020 वी हैव अराइव्ड ऑलरेडी। 2020 में जब हम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पढ़ रहे हैं तो ये जून एग्जाम में अप्लीकेबल होगी आपके सीएमए में, और दिसंबर एग्जाम में अप्लीकेबल होगी। 2021 से फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिवाइज हो जाएगी। तो आप में से जिन लोगों का भी एग्जाम जून 20 एंड दिसंबर 20 में है उनके लिए ये वीडियो सफिशियंट है, उनके लिए वीडियो अप्लीकेबल है। तो आइए, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में ऐसे कौन से मेजर्स हैं जो एक्सपोर्टर्स को, इंपोर्टर्स को मिलते हैं जिनसे उनका ट्रेड प्रमोट हो, भारत का इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोट हो, उन सभी मेजर्स के बारे में यह बताया जाता है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जितने भी पेजेस आप पढ़ेंगे, शुरू के 4-5 पेजेस तो इंट्रोडक्शन जैसे हैं, और उसके बाद जितने भी पेजेस आप पढ़ेंगे उन सब में अलग अलग तरीके, अलग अलग स्कीम्स, अलग अलग मैकेनिज्म हैं जिनसे एक्सपोर्टर्स को, इंपोर्टर्स को ट्रेड फैसिलिटेशन मिले, पेपर वर्क में आसानी लगे, प्रोसीजरल डिफिकल्टीज ना हो और उनका व्यापार बढ़े, भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़े। आइए शुरू करते हैं मीनिंग ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तो अगर एग्जामिनर ने, वैसे तो आप फाइनल में है, कौन आपसे मीनिंग ऑफ एफटीपी पूछ रहा है, लेकिन अगर मीनिंग ऑफ एफटीपी कोई आपसे पूछे तो ये 3 लाइनों में आपको जवाब देना चाहिए। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का मतलब सिर्फ 3 लाइनों में आपको पता हो जाना चाहिए। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का पहला लाइन कहता है इट्स अ सेट ऑफ गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शंस। और ये गाइडलाइंस और ये इंस्ट्रक्शन किसने इशू करी दोस्तों? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने ये गाइडलाइंस इशू करी। केंद्र सरकार के द्वारा इशू करी गई ये गाइडलाइंस क्योंकि केंद्र सरकार ने इशू करी है इसलिए ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि अगर भारत का एक्सपोर्ट विशाखापट्टनम से होगा तो वहां की सरकार देखेगी और महाराष्ट्र में मुंबई से होगा तो वहां की सरकार देखेगी। इट डज नॉट रियली मैटर वेदर इट इज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरला और तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल, कोई सा भी राज्य हो, अगर वहां इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है तो कॉमन रूल्स ही अप्लाई होंगे। स्टेट गवर्नमेंट्स हैव नो रोल इन रेगुलेटिंग इंटरनेशनल ट्रेड, ओनली एंड ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ऑल द पावर्स टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशंस इन द फॉरेन ट्रेड। राइट दोस्तों, इट मैटर्स रिलेटेड टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑब्वियसली। अब जरा ये 1 2 3 भूल जाइए और इस लाइन को लगातार पढ़िए, यू विल कम विद अ सेंटेंस। Set of foreign trade policy is a set of guidelines and instructions issued by central government in matters related to import and of course export, right? चलिए अगला टॉपिक हम देखते हैं, नीड ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की जरूरत क्यों है मैंने आपको बताया। मैं तो ये तक चाहता हूं कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का दोस्तों नाम ही बदल जाए। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का नाम होना चाहिए फॉरेन ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी। भाई इसमें क्या बुरी बात है? FTP can be renamed as FTPP, Foreign Trade Promotion Policy। इससे लाभ ये होगा दोस्तों कि हमें नाम सुनते ही पता चल जाएगा कि नीड एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की जरूरत क्यों पड़ी आपको जब कंटेंट बताए थे मैंने, तो मैंने कहा था कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में मेजर कंटेंट्स है वो स्कीम्स जो एक्सपोर्टर्स को दी जाती हैं, मेजर कंटेंट है वो मैकेनिज्म जिनसे हम इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करते हैं। तो एफटीपी की जरूरत क्यों पड़ी? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आगे ले जाने के लिए, उनको वो सुविधाएं प्रदान करने के लिए जो जनरली दे डू नॉट गेट। पॉइंट 1, डेवलपिंग एक्सपोर्ट पोटेंशियल। देखा आपने हिंदुस्तान के एक्सपोर्टर्स को एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलना जिसके बाद वो एक्सपोर्टर्स ये महसूस ना करें कि वो एक गलत देश में एक्सपोर्ट करने का प्रोसेस शुरू कर चुके हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया एंड दैट टू फॉर द एक्सपोर्टर शुड बी प्रमोटेड। इंप्रूविंग एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, तो पहले और दूसरे में फर्क है। एक्सपोर्ट पोटेंशियल बढ़ाने का मतलब है कि जो लोग एक्सपोर्ट नहीं कर रहे उनको एक्सपोर्ट करने के लिए आकर्षित किया जाए, और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इंक्रीज करने का मतलब है पीपल हु आर ऑलरेडी एक्सपोर्टिंग शुड बी प्रमोटेड टू इंक्रीज देयर कैपेसिटी, राइट? एनकरेजिंग फॉरेन ट्रेड, क्रिएटिंग फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, improving efficiency and competitiveness of Indian industry actually in the open market abroad, creating self reliance, आत्मनिर्भरता, self sufficiency, आप अपने देश में वो सब कुछ बना सकें जिससे आपके देश की डिमांड की सप्लाई पूरी हो सके। एंश्योर एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ, मतलब हमारे देश की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में एक बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान से होने वाले एक्सपोर्ट का हो। ये जरूरतों को पूरा करने के लिए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाई जाती है भारत सरकार के द्वारा, इसलिए इसे पॉलिसी का नाम दिया जाता है कि ये कानून का नाम में न रहे। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लोगों को ऐसा लगे कि सरकार के द्वारा बनाई गई एक स्ट्रैटेजी है जिससे एक्सपोर्टर्स को एक अच्छा एनवायरनमेंट प्राप्त होगा, राइट दोस्तों? आइए अब अगली हेडिंग देखते हैं, लॉ गवर्निंग फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। आई टोल्ड यू एनीथिंग दैट इज डन बाय गवर्नमेंट हैज टू बी प्रेस्क्राइब्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ लॉ। सो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इज आल्सो इशूड as per the law. Which law? FTDR, Foreign Trade, यहाँ ब्रैकेट लगाइएगा प्लीज, Foreign Trade Development and Regulation Act 1992। तो जब आप एक्ट का नाम लिखेंगे एग्जामिनेशन में तो करेक्ट manner of writing is Foreign Trade bracket starts Development and Regulation bracket ends Act 1992। मैं ब्रेसेस की बात नहीं कर रहा, इन वाले ब्रैकेट्स की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, डेवलपमेंट से पहले एंड रेगुलेशन के बाद। तो आपके एग्जाम में CMA फाइनल में आपको याद होगा MCQ भी आते हैं, तो उन MCQ में वो ये पूछ सकते हैं कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इज governed by which law a foreign trade policy is issued as per which law? The answer is FTDR, Foreign Trade Development and Regulation Act 1992. So I hope the need is clear to all of you, right? Ab hai period of applicability. I told you in the beginning, foreign trade policy is issued and revised every 5 years. It doesn't matter who is in the central government, which party has formed the government. Foreign trade policy runs at its own pace. Every 5 years. ये 5 साल सरकार के हिसाब से पैरेलल नहीं चलते हैं। ये 2015 से 20 है, फिर 20 से 25 चलेगी, 25 से 30, 30 से 35 ऐसे चलती रहेगी, सरकार किसी की भी हो। पीरियड ऑफ एप्लीकेबिलिटी इज 5 ईयर्स and the current period of foreign trade policy is 2015 to 2020. That is what I said. December 20 में जिनके एग्जाम हैं and June 20 में जिनके एग्जाम करीब हैं, सिर्फ इन दोनों लोगों के लिए ही ये वीडियो रेलिवेंट है। If you have your exam post December 20, that means June 21 onwards, June 2021 में जिनका एग्जाम है, they need to watch the revised video. We'll give you that. आइए अब है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का मतलब है कि कौन रेगुलेट करता है, जैसे पॉलिसी में लिखा है कि ये सब होगा, हु विल इंश्योर कि ये सब होगा। पॉलिसी में लिखा है कि ये सब करेंगे, हु विल इंश्योर कि ये सब किया जा रहा है। तो ध्यान से देखते हैं, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इज इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो थैंक गॉड दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, बट आई एम श्योर पीपल, मोस्ट ऑफ यू must be thinking that foreign trade policy is made by minister of external affairs or foreign minister, विदेश मंत्री जी ये सब कुछ करते होंगे। ऐसा नहीं है, minister of commerce and industry is the regulating body. It is updated every year in April, मतलब certain amendments come, certain changes come in the month of April. Administered by Director General of Foreign Trade, so DGFT short में दोस्तों आप ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्टर जनरल and the department of director general would be foreign trade. This will be his specialization core area. So we have director general in almost every government department. We have director general civil aviation, we have director general foreign trade, we have director general Doordarshan, we have director general in almost every government department we have a DG. So in this foreign trade department we also have a DG. He administers the foreign trade policy. DGFT works in close coordination with CBIC, Central Board of Indirect Taxes and Custom, Reserve Bank of India and GST Department, right? So अगर एग्जामिनर, मैं वैसे आपको बताऊं, भरोसे से मानिए मेरी बात को, ये जो शुरू के 3-4 पेजेस की बातें हैं, nobody is going to ask you in finals. कभी कभार मतलब ऐसा होगा कि ये पूछा जाए तो बात अलग है, एक बारी पढ़ के आपका काम चल जाएगा, क्योंकि सो बेसिक थिंग्स दे आर, यू नो, दे कैन नॉट बी आस्क्ड इन योर फाइनल लेवल एग्जामिनेशन। वो कुछ पूछेंगे तो लगना तो चाहिए। सीएमए फाइनल ग्रुप 4 का एग्जाम है। वैसे दोस्तों सच बताऊं तो उनका कुछ भरोसा नहीं होता, वो कभी कभी इतनी ईजी चीज़ें पूछ लेते हैं। आई रिमेंबर व्हेन आई जॉइंड the coaching industry in the early stages, I've seen financial management of final level has a question of cost of capital. Only the cost of capital was to be calculated and the raw data was given. It was a 1-minute question and it carried 3 marks, and this really happens in so many other subjects also, like in SPM, BBM sometimes they ask very basic questions and they carry very good marks. So this is good from the academic point of view. Exam के हिसाब से तो अच्छी बात है, चलो कोई बात नहीं। मैं बस ये कह रहा था कि आप ये शुरू के पेजेस को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, दे आर वेरी इजी काइंड ऑफ पेजेस, राइट। अब ये है गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ FTP. This is about what vision they have in their mind when they launch this policy every 5 years. What is something they want to achieve by implementing this foreign trade policy? Guiding principle is something that they have in mind when they are bringing this policy up. जैसे मैंने आपको बताया होगा कि अगर आप ये पढ़ रहे हो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की वीडियो, एंड आई हैव कम अप विद दिस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी वीडियो इन अ मैनर ऑफ हैंडरिटन नोट्स, तो व्हाट प्रिंसिपल आई हैड इन माइंड इज कि जब हम क्लास में लिखते हैं तो भी हैंडरिटन नोट्स बनाते हैं, तो अगर हम वीडियो से देखेंगे तो भी पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन की बजाय, printed notes की बजाय, there should be handwritten notes already written, so that you have a feel of a face-to-face class. So this was the principle in my mind. तो guiding principle का मतलब होता है foreign trade policy launch करते समय क्या बातें उनके मन में रही होंगी कि उन्होंने ये foreign trade policy launch करी, उन बातों को हमने यहाँ पर लिखना है। तो क्या बातें सरकार के मन में रही होंगी? मेक इन इंडिया विजन, एक एन नहीं है, एन है, मेक इन इंडिया विजन, कि भारत से एक्सपोर्ट बढ़ाओगे तो तभी तो बढ़ाओगे जब वो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ भारत में बढ़ेगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ट्रेड फैसिलिटेशन। आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, भारत में व्यापारियों को अभी भी बहुत सारे पेपर वर्क ऐसे करने पड़ते हैं जिनके कंप्लायंस बर्डन बहुत ज्यादा है। आई अग्री दैट यू पीपल, कॉस्ट अकाउंटेंट्स एंड योर फ्रेंड चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज हैव देयर अर्निंग फ्रॉम ऑल दीज कंप्लायंसेज ओनली, बट येस कंप्लायंसेज कैन बी मच स्मॉलर देन दे आर एट प्रेजेंट। एनकरेज करना इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, एक्सपोर्ट्स को, मैन्युफैक्चरिंग को एनकरेज करना, एक्सपोर्ट को एनकरेज करना, जो SEZ करते हैं, EOU करते हैं, STP करते हैं, EHTP करते हैं, BTP करते हैं। इफ यू वांट आई कैन टेल यू द फुल फॉर्म ऑफ दीज। SEZ इज ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन, पता तो है ही आपको, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ एक बार, आप कभी नोट करना चाहें। वैसे तो व्हेन यू आर इन फाइनल यू मस्ट बी नोइंग ऑल दिस। EOU is export oriented unit, and sometimes we see that people use undertaking also, export oriented undertaking or export oriented unit, you can write any। STP is software technology park, पार्क डज नॉट मीन दैट ग्रीन पार्क, ग्रीनरी वाला जो पार्क होता है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, एजुकेशनल पार्क, नॉलेज पार्क है, समवेयर इन एरिया डेलिनिएटेड फॉर अ पर्टिकुलर थिंग, मतलब एक इलाका जहां सॉफ्टवेयर को प्रमोट करने के लिए, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को बहुत सपोर्ट करने के लिए कंपनी उसको वो बुलाया गया, कंपनियों ने वहाँ ऑफिस खोले, दैट्स कॉल्ड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। ऐसा नहीं है कि मतलब ग्रीन पेड़ लगा दी तो पार्क हो गया। EHTP इज इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, BTP बायोटेक्नोलॉजी पार्क। मतलब मुझे पता है आपको पता है, लेकिन कोई बात नहीं ना, मैंने अपना धर्म निभाया, राइट। प्रोवाइडिंग ड्यूटी क्रेडिट, स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट नहीं है, स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट इज अ काइंड ऑफ अ पॉइंट दैट यू कैन रिडीम। रिजॉल्व क्वालिटी कंप्लेंट्स एंड ट्रेड डिस्प्यूट, झगड़े जितना जल्दी सॉल्व हम कर सके, राइट। Measures taken in relation to guiding principle, you know this is something related to the previous heading। पिछला हेडिंग में तुमने पढ़ा कि सरकार का दिमाग में क्या था when they launched this policy, so whatever was there in the सरकार का दिमाग they must be put in practice actually to implement what they have planned। तो क्या उन्होंने करा ऐसा कि वो जो अपने उन्होंने ख्वाब देखे थे वो फुलफिल हो गए, ऐसा क्या उन्होंने किया जिससे वो जो प्लानिंग लेकर आए थे वो सक्सेसफुल होने की कोशिश होने लगी। तो दीज आर द स्टेप्स एक्चुअली दे हैव अंडरटेकन to promote Make in India vision and to promote and to encourage and to motivate the exports from India। तो क्या ऐसा भारत सरकार ने किया जिसको हम ये मान लें कि this is good for the Indian industry, उसकी लिस्ट यहां पर लिखी है, एक एक करके आप शुरू करते हैं। पहला मेजर है only 3 mandatory documents for export and import। ये जो आपको 3 डॉक्यूमेंट दिख रहे हैं, आप जिसको जो पहली बार समझ रहा होगा, मतलब माफ कीजिएगा आप पहली बार ही समझ रहे हैं, लेकिन अगर आपने पहले कभी देखा हो पुराने ज़माने में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जब नहीं होती थी और जब होती थी तो अर्ली स्टेजेस में थी, तो देयर वर न्यूमरस डॉक्यूमेंट्स फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट यू नीड टू प्रिपेयर। अब तो 3 है, तो जब सिर्फ 3 कागज है तो दिस इज समथिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया। दूसरा देखें 24/7 कस्टम क्लियरेंस, 24 घंटे कस्टम क्लियरेंस खुली रहती है। जैसे आप माल इंपोर्ट करोगे या माल एक्सपोर्ट करोगे तो वो कस्टम डिपार्टमेंट उसको क्लियर करता है, उसको ओके करता है, उसको चेक करता है। तो वो 24 घंटे होगा तो थोड़ा सा वर्कलोड कम हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा पूरे दिन, लेकिन ये सब जगह नहीं होता। एट स्पेसिफाइड सी पोर्ट 17 एयर कार्गो कॉम्प्लेक्सेस, मतलब सब जगह नहीं होता, कुछ ही सी पोर्ट एंड एयरपोर्ट्स पर ये होता है। स्विफ्ट स्कीम है भाई, सरकार ने लॉन्च करी है स्विफ्ट स्कीम। जो स्विफ्ट स्कीम है वो स्विफ्ट स्कीम का उनका मतलब है सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर फैसिलिटेटिंग ट्रेड। दे हैव अ सिंगल विंडो स्कीम इन विच ऑल द डॉक्यूमेंट्स, ऑल द पेमेंट्स, ऑल द प्रोसीजर्स कैन बी परफॉर्म्ड एट वन सिंगल प्लेस। यू नीड नॉट टू गो टू दिस ऑफिस एंड दैट ऑफिस एंड दिस वे एंड दैट वे, यू विल कम एट अ वन पॉइंट एंड यू विल बी डूइंग एवरीथिंग राइट देयर ओनली। तो एक्सपोर्टर इंपोर्टर्स को थोड़ा मदद मिलेगी कि भाई 10 जगह चक्कर नहीं काटने पड़ रहे, एक जगह गए सब कुछ हो गया। नाउ वी हैव प्रायर ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ शिपिंग बिल, 7 days for air and 40 days for sea। मतलब ऐसा है दोस्तों, जैसे आपका कंसाइनमेंट आने वाला है, आप इंपोर्टर हो, या आपका कंसाइनमेंट जाने वाला है, आप एक्सपोर्टर हो, तो वंस योर कंसाइनमेंट अराइव्स एट द पोर्ट तब आप डॉक्यूमेंट फाइल करो, उससे बेहतर है कि आप 7 दिन पहले 14 दिन पहले भर दो। तो इससे पहले कि वो माल अराइव हो या इससे पहले कि वो माल डिपार्ट के लिए डिस्पैच के लिए रेडी रहे, आप पहले के पेपर एडवांस में क्यों नहीं दे देते ताकि एयरपोर्ट पे और सी पोर्ट पे टाइम कम लगेगा। तो आप एडवांस में जमा कर सकते हो 7 दिन पहले एयर में और 14 दिन पहले सी में, मतलब पहले 7 दिन या पहले 14 दिन। अब जैसे ये डिस्पैच है अगर, तो ये 14 दिन है, ये है फाइलिंग का समय। बहुत इजी सी बातें हैं। ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स वो तो ऑब्वियसली है दोस्तों, जब आप प्रायर फाइलिंग करोगे तो आदमी 2 बार सी पोर्ट पे थोड़ी जाएगा। प्रायर फाइलिंग करवा लो, ऑनलाइन फाइलिंग कर देते हैं डॉक्यूमेंट की, जब डिस्पैच के लिए लेके जाते हैं तो वहां पर पहले से वो पेपर्स देखे हुए उन्होंने होते हैं, वेरिफिकेशन मिल जाता है। मतलब कभी आप जाएं, कभी आप देखें कस्टम क्लियरेंस कैसे होती है, तो यू विल सी द डिफरेंस एक्चुअली। एंड यू गो टू वन पोर्ट वेर इन दी प्रायर डॉक्यूमेंटेशन इज नॉट अलाउड एंड यू गो टू अनदर पोर्ट वेर द प्रायर डॉक्यूमेंटेशन इज अलाउड, देन ओनली यू कैन सी द डिफरेंस। पता आपको, अब आपको कोई वो पढ़ाए, कोई ऐसा साइंटिफिक प्रिंसिपल विच यू कैन प्रैक्टिस इन द लैब, तो आपको देख के ना बहुत अच्छा लगेगा और मन में बस जाएगा, बिल्कुल याद करना नहीं पड़ेगा। एंड इफ यू आर टॉट सम प्रिंसिपल विच टेक्स प्लेस इन दी स्पेस, कौन सा ग्रह किसके चारों तरफ घूमता है, दैट यू कैन ओनली इमेजिन and you can only see the plastic models of that principle, you cannot actually experiment it in your laboratory. So this is something, मतलब अगर आप कस्टम में काम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इफ यू आर वर्किंग, भाई ग्रुप 4 में आते आते बहुत सारे लोग वर्किंग होते हैं बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स और एन नंबर ऑफ रीजन। बट इफ यूर अ स्टूडेंट एंड यू हैव नॉट सीन द कस्टम प्रोसीजर, तब आपको सच में ये सब बातें इमेजिनरी लगेंगी, राइट? तो अगर आप स्टूडेंट हैं और आपने ये प्रैक्टिकली नहीं देखा है तो ज्यादा सोचे भी ना उसके बारे में, जो लिखा है उसे याद कर लें। प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व आना होना चाहिए आपको कि वो हो सके, नंबर आपके आ जाएंगे बल्ले बल्ले। वंस यू विल बी प्लेस्ड यू कैन सी एवरीथिंग, यू एक्सप्लोर एवरीथिंग। अभी तो आप पढ़ाई करो। फीचर्स ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फीचर्स ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो तुमने पहले सुन रखी हैं। फीचर्स ऑफ फॉरेन, पहले मतलब अभी 10-20 मिनट से जो तुम सुन रहे हो मुझे, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के फीचर्स में वही बातें हैं जो नीड में सुनी तुमने, गाइडिंग प्रिंसिपल में सुनी। बट यस, सम पॉइंट्स आर यूनिक। एक्सपोर्ट इंपोर्ट फ्री माना जाता है जब तक रेगुलेट ना किया जाए, तो अगर कोई रूल किसी टॉपिक में नहीं है तो इसका मतलब वो एक्सपोर्ट फ्री है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैन बी क्लासिफाइड एज फ्री, रेस्ट्रिक्टेड एंड प्रोहिबिटेड। यस ऑफ कोर्स, भाई कोई भी सामान जो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होना है उसकी 3 कैटेगरी हो सकती हैं। पहला वो सामान जो बिल्कुल मना है, भेज नहीं सकते, मंगा नहीं सकते, व्हाटएवर। दूसरा वो सामान जो फ्रीली अलाउड है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं फॉलो करनी, भेज लो मंगा लो। तीसरा जिसमें प्रॉब्लम है कि इफ यू फॉलो दिस प्रोसीजर देन ओनली इट इज अलाउड। सो बिल्कुल मना इज प्रोहिबिटेड, बिल्कुल परमिटेड इज परमिटेड, सब्जेक्ट टू कंडीशन इज रेस्ट्रिक्टेड, राइट? आप इजीली समझ सकते हो कि 3 कैटेगरी कौन कौन सी हो गई, एक फ्री, एक रेस्ट्रिक्टेड और एक प्रोहिबिटेड, राइट? हाँ जी। अगला पॉइंट है रीजंस ऑफ रेस्ट्रिक्शंस आर स्ट्रैटेजिक, हेल्थ एंड अदर्स। ऑब्वियसली दोस्तों वी नीड टू बिल्ड स्ट्रैटेजी। बहुत लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में कुछ ऐसे देशों से इंपोर्ट होता है जिनको हम बैन कर देना चाहिए, वी विल नॉट यूज दोज प्रोडक्ट्स। हाउ कैन यू से दैट, यू नो वी आर द मेंबर ऑफ WTO। अगर आप इंपोर्ट बैन करोगे तो वी हैव टू मेंटेन द रिलेशंस विद दैट कंट्री ऑल्सो। हमारे यहाँ से भी माल वहाँ जाता है, राइट? आपको अगर किसी देश से इंपोर्ट कम करने तो आप उसका ऑटो कंजम्पशन कम कर दीजिए ना, वहां से इंपोर्ट ऑटो कम हो जाएगा। तो उस स्ट्रैटेजिक रीजन से भी रेस्ट्रिक्शन लगानी होती है, कहीं लगानी होती है, कहीं नहीं लगा सकते, हेल्थ रीजन से और अदर रीजन से। एक्सपोर्ट इज प्रमोटेड थ्रू वेरियस स्कीम्स। अब ये जो स्कीम्स है ना, बस यही है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में, लंबी लिस्ट है दोस्तों। ये स्कीम पर उसकी डिटेल, वो स्कीम पर उसकी डिटेल, वो स्कीम पर उसकी डिटेल। स्कीम के नाम और उसके काम याद करते जाइए, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के 10 नंबर आपके हो गए। कोई टैक्स नहीं लगता इंपोर्ट पर। ये फीचर्स हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के, मुख्य बातें जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में है। कैपिटल गुड्स का इंपोर्ट हम फ्री करने देते हैं फॉर एक्सपोर्टर। ऑफ कोर्स भाई जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्हें क्वालिटी माल बनाने के लिए विदेशों से मशीन मंगानी है, तो वो जो मशीन उन्हें विदेशों से मंगानी है उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती, और अगर लगती है तो हम उन्हें माफ कर देते हैं, वापस दिलवा देते हैं, रिफंड हो जाता है या पॉइंट्स में एडजस्ट हो जाती है। विशेष एग्जेम्पशन मिलती है EOU एंड SEZ को, फुल फॉर्म हम देख चुके हैं। ये क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ डीम्ड एक्सपोर्ट कॉन्सेप्ट। डीम्ड एक्सपोर्ट क्या होता है दोस्तों, जैसे एसईजेड सुना है आपने, SEZ is an area wherein we establish units to promote export or to promote industrialization। हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में कुछ इलाके फाइनल करे गए और उनमें डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए प्लांट्स लगवाए गए, वहां से एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए स्कीम्स चलाई गई। तो वो एक ऐसा इलाका हो गया जिससे इंडस्ट्रियलाइजेशन का ग्रोथ बढ़ने लगा। उस इलाके को ये माना जाता है कि क्योंकि ये विशेष क्षेत्र है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ये, इसलिए बाकी नॉर्मल इलाकों से जब स्पेशल इकोनॉमिक जोन में माल आएगा तो हम उसे एक्सपोर्ट मानेंगे। मतलब एक नॉर्मल इलाका जो स्पेशल जोन नहीं है, जब वो स्पेशल जोन में माल बेचता है तो हम ये मानते हैं कि हम किसी ऐसे जोन में माल बेच रहे हैं जो विदेशों को माल बेच रहा है, तो हम भी एक प्रकार का एक्सपोर्ट में सहयोग दे रहे हैं, तो उसे बोलते हैं डीम्ड एक्सपोर्ट। और वेरियस ड्यूटी क्रेडिट स्कीम। ड्यूटी क्रेडिट स्कीम का मतलब होता है कि मान लो किसी ने विदेश से माल मंगाया, इंपोर्ट करा, मशीन मंगाई, क्योंकि हम एक्सपोर्टर हैं। अब जो हमने विदेश से मशीन मंगाई उस पर हमने जो ड्यूटी पे करी, वो ड्यूटी पे तो कर दी, फिर वो बाद में हमें एडजस्ट हो जाएगी, उसका हमें क्रेडिट मिल जाएगा, उसके हमें रिफंड मिल जाएगा, किसी भी रूप में मिले तो वो क्रेडिट हमें फ़ायदा मिल जाता है। तो वो अलग अलग स्कीम्स है जिन्हें मिलता है। तो आपने देखा कौन कौन से मुख्य फीचर्स हैं, मैं एक बार दोबारा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहला, जनरली एक्सपोर्ट इम्पोर्ट फ्री है जब तक विशेष रेगुलेशंस ना बताई जाएँ। एक्सपोर्ट इंपोर्ट तीन कैटेगरी में बांटा गया है, फ्री, रेस्ट्रिक्टेड एंड प्रोहिबिटेड। रीजंस कई प्रकार के हो सकते हैं, स्ट्रैटेजिक, हेल्थ और अदर्स, रेस्ट्रिक्शन लगाने से पीछे। अलग अलग स्कीम्स हैं जिनसे हम एक्सपोर्ट को प्रमोट करते हैं, एक्सपोर्ट पर हम टैक्स नहीं लगाते। कैपिटल गुड्स अगर एक्सपोर्टर मंगाता है तो ड्यूटी फ्री होता है। ईओयू और एसईजेड को बहुत एग्जेम्पशंस प्राप्त हैं। अगर नॉर्मल एरिया से स्पेशल इकोनॉमिक जोन में माल आता है तो हम उसे डीम्ड एक्सपोर्ट बोलते हैं। और अलग अलग ड्यूटी क्रेडिट स्कीम है जिसमें पे करी हुई ड्यूटी का हमें वापस से लाभ मिल जाता है। राइट, अब नाउ वी हैव स्कोप ऑफ एफटीपी। एफटीपी के अंदर क्या क्या चीजें कवर हैं। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का स्कोप का मतलब मैं आपको बताऊं, किसी भी चीज का अगर कोई आपसे स्कोप पूछे तो क्या स्कोप का मतलब होता है। स्कोप का मतलब होता है कवरेज एरिया, क्या क्या चीज़ें वो कवर करती है पॉलिसी। मैं तो आपको शुरू से बता चुका, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में फॉरेन ट्रेड की प्रमोशन स्कीम्स के अलावा और कुछ नहीं है। प्रमोशन स्कीम्स, प्रमोशन स्कीम्स, प्रमोशन स्कीम, दैट द ओनली थिंग दे हैव हियर। तो ये जो प्रमोशन स्कीम्स हैं उनमें क्या क्या कवर है वो यहाँ पर डिस्कस होगा। देखो, इट हैज़ पॉलिसी ऑफ रेगुलेटिंग इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इसमें एक पॉलिसी है। इट प्रोवाइड्स वॉट, इट प्रोवाइड्स एक्सपोर्ट प्रमोशनल मेजर्स। इट हैज स्कीम्स ऑफ व्हाट, ड्यूटी रेमिशन, या तो ड्यूटी माफ कर देना, ड्यूटी एग्जेम्पशन, ड्यूटी लगाना ही ना, फॉर द प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट। इट हैज एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम। इट हैज ईओयू, ईएचटीपी, एसटीपी, बीटीपी स्कीम। डीम्ड एक्सपोर्ट, राइट, क्वालिटी कंप्लेंट सॉल्व करने का तरीका और डिस्प्यूट सॉल्व करने का तरीका। लेकिन ये बहुत प्यारी बात है, आप पता है फाइनल में वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि एफटीपी में क्या है, वो आपसे मल्टीपल चॉइस में पूछेगा इनमें से क्या फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में नहीं है। तो लाइन पढ़िए आप, ब्लू कलर के बादल में बसी हुई, इट डज नॉट हैव एसईजेड प्रोविजंस। इसके अंदर एसईजेड प्रोविजंस नहीं है। जानते हैं वो कहाँ है, एसईजेड एक्ट में। एसईजेड को लेकर अलग कानून है हमारे देश में और उसमें जो एसईजेड के प्रोविजंस हो वहाँ लिखे हैं। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, उसे लगता है कि जब हम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पढ़ रहे थे तो उसमें एसईजेड आया था, ईओयू आया था, ईएचटीपी आया था, एसटीपी आया था, बीटीपी आया था, तो ये तो सब है, बाकी सबके प्रोविजन यहाँ हैं, लेकिन एसईजेड के प्रोविजंस यहाँ नहीं है। चलो, व्हाट इज ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन का मतलब है कि आपने भी सुना ना कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ तो फ्रीली अलाउड है और कुछ एब्सोल्युटली प्रोहिबिटेड है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनमें कंडीशंस पूरी हो जाएं तो अलाउड है। तो ऐसे कौन सा अथॉरिटी है जिससे जाकर हमें पूछना है कि भाई ये कर लें या ना कर लें, उस अथॉरिटी को बोलते हैं ऑथराइजेशन जो लेवल है। इट मीन्स परमिशन फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट, राइट। इसको पहले बोलते थे लाइसेंस। और ये कौन देता है ऑथराइजेशन, ऑथराइजेशन कौन देता है भाई बताओ, डायरेक्टर साहब। इट इज इशूड बाय डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड, राइट। नाउ वी हैव अ मर्चेंट एक्सपोर्टर कॉन्सेप्ट। ये शब्द हैं दोस्तों, ये ना काम आएंगे आपके आगे स्कीम्स वगैरह पढ़ोगे तो मर्चेंट एक्सपोर्टर का मतलब आपको काम आएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए एक एक्सपोर्टर वो होता है जो माल मैन्युफैक्चर करता है और फिर एक्सपोर्ट करता है, तो वो मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर है। लेकिन एक आदमी सामान खरीदता है और फिर उसे एक्सपोर्ट कर देता है तो वो ट्रेड करता है, खरीद कर बेच देता है, बस उसे मर्चेंट एक्सपोर्टर कहते हैं दोस्तों। देखो ही डज नॉट हैव हिज ओन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ही बाइज एंड सेल्स, वो खरीदता है और बेचता है, बस इतना मतलब है इसका, आपको पता होना चाहिए इसलिए मैंने बताया। अगला देखेंगे थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट वीडियो के अगले हिस्से में, राइट। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।